शाजिया, तुझे एक बात बताऊं, स्कूल में मेरी एक दोस्त प्रज्ञा ने एक दिन इंटरवल में खाना खाते हुए कहा। क्या हुआ? मैंने लापरवाही से कहा तो वो बोली, देख बुरा मत मानना, लेकिन लेकिन आशु बता रहा था कि उसने तेरी अम्मी को, तेरे ट्यूशन वाले सर को सेक्टर 15 वाले कैफे में देखा था। मैं एक मिनट के लिए रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मुझे पता है। तो प्रज्ञा झेपते हुए बोली, अब तो कुछ नहीं, मैं तो बस बता रही थी। वो हैरानी से मेरा चेहरा देखती रही, जिस पर कोई शर्म नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बल्कि खुशी थी। मैं तो चाहती थी कि अम्मी अपने अतीत से लिपट कर रोना छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़े। उसी शाम घर आकर मैंने जब किसी काम से बेड के अम्मी वाले साइड का ड्रॉर खोला तो वहां एक नई पाजेब रखी थी, तोहफे वाले चमकीले कागज में लिपटी हुई चांदी की पाजेब, जिस पर एक नीला नग चमक रहा था। मैंने उसे अपने हाथ में लेकर देखा। वो बारीक काम वाली खूबसूरत पाजेब दो जिंदगियों की नई शुरुआत की गवाही दे रही थी। मैंने तकिया उठाकर देखा, वहां पापा के पुराने खत अब नहीं थे। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है, और मैं खुश थी कि अम्मी अपने गुजरे हुए कल से निकल रही थी। सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर।